सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल रीट डिज़ाइंस को और बेल आइकॉन दबाइए मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं आपको दिखाऊंगी ब्यूटीफुल स्लीव डिज़ाइन जिसको मैं लूप्स और पाइपिंग के साथ रेडी करूंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। ये मेरी स्लीव है, इसको मैंने कट करके रख लिया है पहले से ही। और ये मोरी है, मोरी वाला हिस्सा है। अब सबसे पहले मैं इसमें गुम पाइपिंग अटैच कर लूंगी, स्टिच करूंगी। ये देखिए मैंने पाइपिंग बना के रखी है। मैंने आपको पहले भी कई वीडियोस में गुम पाइपिंग लगानी ही सिखाई हुई है, तो चलिए आज मैं फिर से एक बार आपको बताती हूँ कैसे लगाते हैं गुम पाइपिंग। सबसे पहले हमने जो अपनी स्लीव की मोरी है उसको ऐसे स्टिच कर लेना है सीधी वाली साइड की तरफ। जो हमारी फ्रंट साइड यानी कि सीधी साइड होगी उसको हमने ऐसे स्टिच कर लेना है। तो ऐसे मैंने सीधी साइड की तरफ फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है आधा आधा इंच पे। तो ऐसे मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। अब मैंने जहां तक मेरा फोल्डिंग का मार्जिन है यानी कि जितना मैंने फोल्ड के लिए मार्जिन दिया है मैंने उसको मार्क कर लेना है सबसे पहले। तो ये मेरा फोल्डिंग का मार्जिन है जैसे जिसको मैंने मार्क कर लिया है सीधा सीधा। अब मैं इसके ऊपर ऐसे पाइपिंग रखूंगी। इस तरीके से मुझे पाइपिंग रखनी है। पाइपिंग को हमने ऊपर वाली साइड में रखना है और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है पाइपिंग का वो हम नीचे वाली साइड की तरफ रखेंगे। तो ऐसे मैंने पाइपिंग रख ली है। अब हम इसको ऐसे साथ में ही फोल्ड कर देंगे। अगर पहले पाइपिंग को सिलाई लगाएंगे और इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, अगर आपको जैसे इजी लगता है आप वैसे कर सकते हो। मैं एक साथ सिलाई लगा रही हूं दोनों को। ऐसे हमने पाइपिंग को ऐसे स्टिच कर लिया है किनारे की सिलाई के साथ। अब हम इसको ऐसे पलट के पलट देंगे तो ये नीचे की तरफ आ जाएगी और हमारी पाइपिंग ऐसे दिखाई देगी। तो इसको पलट के या तो आप पक्की सिलाई भी लगा सकते हो और या फिर आप रफ स्टिच कर सकते हो हेमिंग के लिए। मैं यहाँ पे हेमिंग के लिए रफ स्टिच कर रही हूँ। तो ऐसे हमारी गुम पाइपिंग लग चुकी है। मैं यहाँ बिल्कुल इसके सेंटर में छोटा सा कट दूंगी। मैंने 3 इंच तक देना है ये कट। तो ये मैं 3 इंच को मार्क कर लेती हूँ। अब मैंने अपना कट यहां तक देना है। तो ऐसे जो मैंने 3 इंच का कट देना है मैंने उसके लिए ये वेस्ट बुकरम ली है। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ मैंने कितनी चौड़ी और कितनी लंबी ली है। इस तरह से मैंने 2 इंच चौड़ी और 4 इंच तकरीबन 4 इंच लंबी है मेरी बुकरम। तो हम अपनी बुकरम को ऐसे डबल फोल्ड कर लेंगे और इसमें बिल्कुल एक पैर का टोटल हमें गैप देना है। ऊपर से आधा इंच छोड़ते हुए इस तरीके से हम अपनी बुकरम को कट कर लेंगे और जो हमारा गैप है वो ऐसे आ जाएगा। तो ऐसे जो मैंने अपनी बुकरम कट की थी डिजाइनिंग के लिए उसको मैंने ऐसे फैब्रिक के ऊपर रफ स्टिच के साथ स्टिच कर लिया है। मैंने जो अपना फैब्रिक लिया है वो मैंने आधा आधा इंची चारों तरफ से ज्यादा ज्यादा लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं इसको 3 साइड से, इधर से नीचे ये वाली बंद वाली साइड से और यहां से फोल्ड कर दूंगी। ये वाली साइड हम ऐसे ही रहने देंगे। तो ऐसे मैंने बुकरम के साथ साथ जो मेरा एक्स्ट्रा मार्जिन है फैब्रिक का उसको मैंने फोल्ड करके ऐसे सिलाई लगा लेनी है। ये मैं रफ स्टिच से ही लगा रही हूँ। तो ऐसे मैंने तीनों साइड से इसको स्टिच कर लिया है रफ स्टिच। अब मैं इसको, ये मेरी स्लीव है जिसपे मैंने पाइपिंग लगाई है गुम पाइपिंग, अब मैं इसकी सीधी वाली साइड की तरफ इसको ऐसे रखूंगी बिल्कुल सेंटर में हम रफ स्टिच के साथ। और देन आफ्टर बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ साथ इसको सिलाई लगा देंगे। हमने अपनी स्लीव का और
इस बुकरम का सेंटर लेते हुए रफ स्टिच लगा लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने ये जो ओपन वाली साइड है, नीचे कट वाली साइड, वो मैंने नीचे की तरफ रखी है, पाइपिंग वाली साइड की तरफ। तो ऐसे अब मैंने बिल्कुल अपनी बुकरम के साथ साथ किनारे की सिलाई लगानी है। ऐसे हमने बुकरम के साथ साथ दोनों तरफ सिलाई लगा लेनी है किनारी की। तो सिलाई लगने के बाद ये ऐसे आ जाएगा। तो अब मैं इस रफ स्टिच को खोलते हुए, ऐसे मैं रफ स्टिच को खोल दूंगी। अब मैं बिल्कुल इसके दोनों सिलाइयों के बीच में कट लगाऊंगी इस तरीके से। आप ध्यान में रखिए हमारी जो सिलाइयां हैं दोनों की तरफ की, वो नहीं कटनी चाहिए। तो अब मैं इसको पलट दूंगी अंदर की तरफ। तो पलटने के बाद जो हमारा कट है वो इस तरह से आ जाएगा। तो अब हम इस कट पे लूप्स लगाएंगे। तो ये मैंने लूप्स कट करके रखे हैं अपनी डोरी को पलट के। तो अब मैं इसको स्टिच करना दिखाती हूँ आपको, हमने कैसे स्टिच करना है इसको। तो मैंने इसकी एक साइड ऐसे ऐसे रखनी है और मैं इसको लूप्स को ऐसे स्टिच करूंगी। मैं मार्क कर लेती हूँ मुझे कितनी कितनी दूरी पे लूप लगाने हैं। मुझे 4 लूप लगाने हैं टोटल। तो मेरे पास ये जो कट है 3 इंच का है। तो ऐसे मैं अपने लूप्स के लिए मार्क कर लूंगी पहले इस तरीके से, एक देन आफ्टर पौना पौने इंची का गैप आएगा हमारे। तो हम ये इक्वल डिस्टेंस पे मार्क कर लेंगे अपने लूप्स के लिए। मैंने टोटल 4 लूप लगाने हैं। मैं इसको ऐसे स्टिच करूंगी। हमने जो लूप लगाने हैं वो बिल्कुल इक्वल गैप पे होने चाहिए, इसलिए मैंने मार्क कर लिया है पहले से। आप ध्यान में रखिए हमारे जो लूप का साइज है वो इक्वल होना चाहिए। तो ऐसे मैंने अपने 4 लूप इक्वल डिस्टेंस पे स्टिच कर लिए हैं। अब मैं इसको इस तरीके से रखूंगी तो ये ऐसे आ जाएंगे बाहर की तरफ। अब हम इसको नीचे रफ स्टिच के साथ स्टिच कर देंगे, देन आफ्टर हेमिंग करवा देंगे इसको अंदर की तरफ ऐसे पलट के, और ऐसे हमने रफ स्टिच कर देनी है। ऐसे हम एक साइड से शुरू होके दूसरी साइड की तरफ रफ स्टिच कर लेंगे। आप चाहो तो पक्की सिलाई भी लगा सकते हो, मैं यहाँ पे रफ स्टिच कर रही हूँ। अब इसको भी ऐसे मैं दूसरी साइड को भी इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करके, किनारा अच्छे से हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे और यहाँ पे भी रफ स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमारे जो लूप है ऐसे फिनिशिंग के साथ लग गए हैं। हम अब हम इस पे हेमिंग करवा के यहाँ पे बटन्स लगा देंगे। तो अब ये मेरे पास बॉर्डर है जो मुझे इस सूट के साथ ही मिला था स्लीव के लिए। अब मैं इसको यहाँ पे अपने लूप्स के ऊपर ऐसे स्टिच करूंगी। इक्वल गैप को मेंटेन करते हुए मैंने इसको सीधा सीधा स्टिच कर देना है यहाँ पे। तो ये हमारी स्लीव ऐसे रेडी हो जाएगी। अब मैं इस पे बटन्स लगा दूंगी। अपनी मेजरमेंट के हिसाब से फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे यहाँ पे। तो ये ऐसे मेरी स्लीव स्टिच होने के बाद ऐसे आ जाएगी। अब मैंने इसको सूट के साथ भी स्टिच कर लिया है। तो ये मेरा नेक है और ये हो गया हमारा स्लीव डिजाइन।
अब मैं इस पे बटन्स लगा दूंगी। तो ये घेरे का और स्लीव का बॉर्डर हमारा सेम है, तो ऐसे आ जाएगा ये बटन। तो ऐसे ये वाले बटन्स मैं इस पे लगा दूंगी। इस तरीके से मैंने ये बटन लगा देने हैं। तो यही होगी हमारी फाइनल लुक। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल रीट डिज़ाइन। थैंक यू।